हेलो बडीज, हाउ आर यू? फाइन ऑल ऑफ यू? टुडे आई स्टार्ट दिस लेक्चर, सो लेट्स बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। भगवान ने हम पे जो प्रेम किया है उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। रीजन इज दैट दिस इज वेरी पायस मंथ इज गोइंग एंड दैट इज द पुरुषोत्तम मास। एंड अर्लियर इन वन वीडियो आई डिटेल्ड एक्सप्लेन यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस मंथ ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। सो आई सेड जस्ट नाउ गॉड हैज लव्ड लॉट ऑनस। भगवान ने हम पर असीमित प्रेम किया है और उसका सबसे बड़ा बच्चों अगर कोई सबूत है, कोई एविडेंस है, तो आप लोग जस्ट इमेजिन करना, आप सब लोगों ने आज की सर्कमटेंसेस में ये रियलाइज किया होगा कि इतना सब जगह पे इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बावजूद वी आर वेरी सेफ इन आर होम, हम सुरक्षित हैं। तो ये ऐसे ही सुरक्षित नहीं है, किसी ने हम पर कृपा की है, किसी की कृपा है हमारे ऊपर। ओके, और उस कृपा का जो रिजल्ट है दैट वी आर सेफ। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो मुझे जो है कबीरदास जी का एक दोहा याद आता है, उन्होंने बोला था कि चलती चक्की देखकर दिया कबीर रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचाना कोई। यानी कि कबीरदास जी फिलोसॉफिकल जो है उस चक्की को जब देखते हैं तो देखते हैं कि जितने भी वीट उसके अंदर डाले गए हैं कोई भी साबुत बचा नहीं है, मीन्स सबके सब जो है उसमें से फ्लोर बन गए, आटा बन गया है। लेकिन अगर आप थोड़ा फोकस करो ना तो चक्की में भी जो है कुछ बच जाते हैं भैया। कौन बचते हैं? बहुत कम लोग, वेरी फ्यू पीपल आर देयर हु सेफ। उस गेहूं में भी कुछ सेफ रह जाते हैं। कौन? वो जो सेंटर को कैच करके रखते हैं, जो सेंटर के आजू बाजू में रह गया वो पिसता नहीं है। वो सेंटर कौन है? दैट सेंटर इज नथिंग बट दैट इज अ गुरु, दैट इज द टीचर, दैट इज द अलमाइटी, दैट इज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड। जो उसको अटैच करके बैठ जाता है वो बच जाता है, जो उनकी बातों को अंडरस्टैंड करके अकॉर्डिंग टू दैट जो अपने लाइफ को आगे बढ़ाता है वो बच जाता है, और जो नहीं सुनते हैं तो दो पार्टों के बीच में साबित बचाना को है, फिर वो सब जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ऐसे ही ट्रबल में आ जाते हैं, जिस तरह से वीट जो है दो पार्टों के बीच में पिस जाता है। तो वी हैव टू डिसाइड, सेंटर को पकड़ के रखना है और अपने आप को सेफ रखना है, वन थिंग, एंड सेकेंड नहीं सुनना है, बराबर है। लेकिन जिसने सेंटर को पकड़ के रखा हुआ है उसके ऊपर अलमाइटी ने बेइंतहा जो है कृपा की हुई है, ब्लेसिंग्स डाली हुई है। एंड दैट इज द रीजन मैंने आज जो ऊपर आपको डेजर्ट दिया है, दैट इज द नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। दैट व्हाट्स आश्वासन, नॉट आश्वासन, दैट प्रॉमिस इज डन बाय द कृष्णा इन द भगवद गीता 9वें अध्याय में भगवान ने जो ये बोला, नमे भक्त प्रणश्यति, बराबर गीता मा प्रभु वचनबद्ध छे, भगवान ने गीता मा वचन आयु छे, मेरे भक्त का कभी विनाश होता नहीं है। लेकिन उसके लिए उनकी शरण पकड़ के रखना पड़ेगा, बराबर है। और शरण पकड़ने का सिंपल सादा मतलब ये है कि अपने जो बड़े लोग हैं जो हमको बताते हैं उसको फॉलो करना, बराबर है, उनकी बातों को मानना। और जिन्होंने भी माना है वो सब सेफ होंगे, और जिन्होंने नहीं माना है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रबल फेस कर रहे होंगे। बाय दिस मैसेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज द वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी। फ्रॉम हिमालय टू एंड ऑफ द साउथ इंडिया कन्याकुमारी,
वराइटीज ऑफ लैंडस्केप आर देयर एंड ड्यू टू दैट रीजन वराइटीज ऑफ फॉरेस्ट्स आर देयर एंड अकॉर्डिंग टू दैट फॉरेस्ट वराइटीज ऑफ वाइल्ड लाइफ वी सी इन आवर कंट्री. ओके बट द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बीइंग बिकम द एनिमी ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ एंड ड्यू टू दैट रीजन टूडे वाइल्ड लाइफ इज इन डेंजर. सो हाउ वी कैन प्रोटेक्ट इट, हाउ वी कैन सेव इट, दैट ऑल रिलेटेड मैटर लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक. सो सी हियर वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी. There is a large diversity in climate and physiography in India. Due to this geographical diversity, a large variation is seen among the insects, birds, animals and vegetations. There are about 15 lakh species of animal and bird. It's not a small amount in the world. And out of that, 81,251 species are found in India. So by that you can just imagine how much varied wildlife we get here. India stands 12th in the world in the term of biodiversity. Animals from Asia, Europe and Africa are seen in India. Because you can say India is a node between the Africa, Asia and Australia. Okay. African zarak, European wolf, wild goat and Kashmiri deer, elephant, kibbles from Southeast Asia are found here. The biodiversity of India include the black bear, one horned rhino, deer, different types of snakes, peacock, gorad, that is a bustard, hawk, kingfisher, flamingo, etc. The snow leopard in Himalaya and the red panda found at the same altitude and distinguished animal here. Currently, India is only country in the world where tiger and lion both are found, that you know very well. In natural aborigines, during winter, migratory bird from the distant part, especially from the Siberia, okay, watershed area of the Kalio Dam National Park, Bharatpur, Rajasthan, Nal Sarovar in Gujarat to spend their winter. Sea turtle come to lay egg only in the sandy coast of Orissa. Indian python, various snake and king cobra are found in the southern rainforest. So like that way you can see the varieties of animals and reptiles and other organisms are found in India. Next is your wildlife extinction. The meaning of extinction means khatam hone ke kagar par hai. Completely it has not extinct, but it is in the path of extinction. Today many wild animal in the world are on the verge of extinction. Tiger were found throughout India during last century. Tiger were seen in the forest of Idar, Ambaji and Danta, but it is not found just now. Okay, they all has moved and shifted in Rajasthan, Ranthambore, Sariska, in that side. Today tiger are totally extinct from Gujarat forest area. Cheetah is also become extinct from the Indian forest. Lagbag cheetah to aaj se 60-70 saal pehle hi khatam ho gaya. Many bird species which were easily seen in Indian forest are now hardly seen. Some of like vulture, duck and pink throat, cranes and owls are on the verge of extinction. Of the extinctional Chitrolo bird, last time also I talked about this. Once widespread in Arunachal northeast is not seen so easily. There is a dangerous of survival of the alligators, that you know,
मगरमच्छ टाइप का ही होता है, बराबर। द फ्रेश वाटर ऑफ द रिवर ऑफ द गंगा रिवर डॉल्फिन। अब आप सोचोगे इंडिया में भी डॉल्फिन है, वो अलग टाइप की होती है। द नंबर ऑफ सी टर्टल अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा एंड गुजरात इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। वाटर फॉवल दैट इज द जल बिलाड़ी वंस फाउंड फ्रीक्वेंटली इन नर्मदा तापी मही एंड साबरमती रिवर ऑफ गुजरात इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। अ टाइम हैज कम फ्रॉम अस टू थिंक अबाउट दिस सीरियसली। नाउ व्हाट आर द रीजन व्हाई वाइल्ड लाइफ इज एक्सटिंक्ट। तो दो फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वन इज ह्यूमन बींग एंड सेकेंड इज द क्लाइमेट चेंज। एंड अगेन इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट क्लाइमेट चेंज के लिए भी ह्यूमन बींग ही रिस्पॉन्सिबल है। इन अल्टीमेट अगर आप ये बोले तो इंसान ही रिस्पॉन्सिबल है। हम को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट को एग्जिस्टेंस, बातें करते हैं लेकिन जब प्रैक्टिकली रहने की बारी आती है तो हम फिर वहां पर जो है थोड़े इनटॉलरेंट हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है ये पूरी धरती हमारे लिए, इट इज नॉट सो। द अनदर एनिमल उनकी भी उतनी ही ओनरशिप है, वो बात अलग है कि उनके पास में कोई पेपर्स नहीं है उस ओनरशिप के लिए, लेकिन हमने क्या किया है, हमने उनकी ओनरशिप की जगह पर जो हमने जो अतिक्रमण किया है, एनक्रॉचमेंट किया है, एंड ड्यू टू दैट एनक्रॉचमेंट ओके उनकी एग्जिस्टेंस खतरे में आई है। तो वो हमको नहीं करना है। वी शुड नो आवर लिमिटेशन। अगर हम हमारे लिमिटेशन समझ जाते हैं, इफ यू विल स्टॉप आर ग्रीड, अगर हम हमारी लालच को रोकते हैं, देन डेफिनेटली द अदर वाइल्ड लाइफ ऑल्सो वी गेट प्रॉस्परस, वो भी समृद्ध होंगी ओके। बिकॉज इट इज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बींग। आप लोगों ने शायद पुराने जमाने की स्टोरीज वगैरह आप लोग पढ़ते होंगे, चाहे वो मे भी पंचतंत्र हो या कोई भी, अगर आप महाभारत पढ़े तो ऋषियों के जो आश्रम हुआ करते थे जंगलों में ही हुआ करते थे। कभी ऐसा सुनने में नहीं आया कि किसी वाइल्ड एनिमल ने उनके आश्रम को नुकसान पहुंचा दिया। रीजन वॉज दैट बिकॉज देर वॉज अ को एग्जिस्टेंस, दोनों के बीच में एक सह अस्तित्व था। अब धीरे धीरे हमने क्या किया, हमने हमारी सुपेरिटी बढ़ा दी, और हमारी सुपेरिटी बढ़ने की वजह से क्या हुआ, उनका जो नेचुरल हैबिटेट था वो कहीं ना कहीं खतरे में आया। ड्यू टू दैट रीजन देयर लाइफ हैज गॉट एक्सटिंक्ट। सेकंड शौक, तो इंसान को जब शिकार का शौक चढ़ रहा है तो उसने अपने जॉय के लिए दूसरे एनिमल्स को मारना शुरू किया, दैट इज अ राक्षसी वृत्ति। जब आप अपने जॉय के लिए किसी दूसरे को हर्ट करते हो, मार देते हो उसे, तो दैट इज नॉट द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन, वो कोई अलग ही कैटेगरी का इंसान होता है वो, बराबर। और ऐसे इतिहास में बहुत सारे दाखले हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कि एनिमल हैज गोइंग टू एक्सटिंक्ट। तो डिस्ट्रक्शन, अब इसमें यहाँ पे चार पांच रीजंस दिए हुए, ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द ग्रासलैंड एंड द वाटरशेड एरिया ऑफ द फॉरेस्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल इज पुट इन डेंजर। ऐसा नहीं था पहले लोग जंगल में नहीं रहते थे, लेकिन वो कभी उनके मैटर में इंटरफेयर नहीं करते थे, एनिमल के मैटर में इंटरफेयर नहीं करते थे। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज द मेन रीजन। अब जहां पे वो रहते हैं उन्हीं की जगह खत्म कर देंगे तो वो कहां जाएंगे बेचारे, तो ऑटोमेटिकली उनका नेचुरल हैबिटेट जाएगा, तो उनकी भी लाइफ डेंजर में आ जाएगी। इट्स फाइनल इंपैक्ट इज दैट द रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट, हंटिंग द एनिमल टू ऑब्टेन हेयर स्किन बोन हॉर्न एंड नेल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। इसमें चाइना का भी बहुत बड़ा हाथ है, बराबर है। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की अगर ये स्मगलिंग एनिमल बॉडी की अगर होती है तो दैट इज द चाइना। द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट मेड बाय मैन इज हाई ग्रीडी मोटिव सच इज द रोड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट माइनिंग मिनरल एक्सपांशन ऑफ द न्यू सेटलमेंट ऑफ द सिटीज एक्सेट्रा डिस्प्लेस द वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट लैंड आर बीन एनक्रॉच्ड, मैंने अभी बताया ना, एनक्रॉच करना मतलब अतिक्रमण करना, जो उनकी जगह है उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लेना। फॉर ग्रास फ्यूल फॉर ग्रेजिंग द फॉरेस्ट फायर engulfs many species when forest fire occur in the time of retaining the young one of the bird and hatching the eggs to create a negative impact on the number of wildlife. Due to the loss of their natural habitat, many animal without anybody came into conflict with man and sometimes even lost their lives. Human is procure biomedicines or which make the perfume also bring the species on verge.
आपको मालूम है वो हिरण में से कस्तूरी मिलता है तो कस्तूरी निकालने के लिए हिरण को ही मार देते हैं, बराबर है। बिना हिरण को मारे भी वो चीज निकल सकती है। अभी उसका एक बहुत बड़ा सेंटर उत्तराखंड में जो है, देहरादून में जो है बनाया है, बराबर है। तो जहां पे इस तरह से हिरण को जो है पाला जाता है। Now, what measures we will take for that? So it is necessary to change our attitude. That is the most important thing. मैं ही जो है पूरी दुनिया में राज करने के लिए बना हूँ, ये attitude change करना पड़ेगा। Okay, and perceptions toward the forest we consider as its source of unlimited income, which is a mistake. It must be preserved only, then the natural habitat of wildlife can be saved. Maintenance and balance of number between the herbivorous and carnivorous in the forest, ये बहुत essential है। जो food chain का जो balance है, it should be maintained. For this step, like maintaining the water sources, the forest and restrictions on grazing of domestic animals should be taken. ये सब चीजों के ऊपर workout किया जा सकता है। There should be strict law of ban hunting, शिकार के ऊपर प्रतिबंध। Those laws should be implemented very harshly. Heavy punishment should be inflicted for illegal mining of forest area and fines should be imposed. It is necessary to make such arrangement which would not disturb the animal during the procreative period. बराबर जब उनका बच्चों को जन्म देने का टाइम आता है, उस समय उनको नहीं डिस्टर्ब किया जाए। A study should be made about likely efforts to fisheries, forest gatherings or tourism in forest and setup should be taken accordingly. Program should be arranged to bring widespread awareness in the society. If the wildlife protection forest is inactive, then the pressure should be brought of them and this work should given priority. Ab India mein alag alag animals ko protect karne ke liye alag alag project jo hai government ne chalaya hai. And one is the tiger project, second is the elephant project, and third is the rhino project. ये तीन project हैं। Elephant जो tiger project है बच्चों, basically it was started in 1971 because beginning of this century there were 40,000 tiger in India and today hardly it is less than 5,000. तो आप अंदाज़ लगा सकते हो कि कितना सारा नुकसान हुआ है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चलाया। इसी तरह से एलिफेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 1922 में और 26 उसके अलग अलग जोन्स बनाए गए हैं। सिमिलरली बंगाल और द तराई रीजन ऑफ यूपी एंड आसाम, वहां पर जो है राइनो प्रोजेक्ट जो है इसी तरह से चलाया जा रहा है। वल्चर प्रोजेक्ट अपने गुजरात में खास करके गिर एरिया में जो है चलाया जा रहा है। हिमालय रीजन में जो है स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट है, बराबर ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट है। उसके अलावा एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है सेंचुरीज, बायो रिजर्व ये सब बनाए गए हैं। ओके, तो व्हाट इज एग्जैक्टली सेंचुरी? तो ह्यूमन एक्टिविटीज को वहां पर परमिट किया जाता है, बराबर है। ग्रास वगैरह के लिए परमिशन से जो है ले सकते हैं, लेकिन वहां पे वाइल्ड लाइफ को आप हर्ट नहीं कर सकते हो। ओके, दूसरा नेशनल पार्क है, एकदम कंप्लीटली प्रोटेक्टेड जोन में आता है। यहाँ पर तो ग्रेजिंग वगैरह और ट्री कटिंग कंप्लीटली बैन है, कोई ये नहीं है। और इंडिया में अगर आप यहाँ पे आपको एक मैप दिया हुआ, अगर इसमें आप देखोगे तो काजीरंगा है, कॉर्बेट है, वेलावदर है, ऐसे अलग अलग जगह पे ऐसे नेशनल पार्क है, मरीन पार्क है। अपने गुजरात में ही जो है नियर द जामनगर पेरोडन करके जो है मरीन नेशनल पार्क है, ओके, जहाँ पे आप एक्वेटिक एनिमल्स को प्रोटेक्टेड देख सकते हो। सिमिलरली बायो रिजर्व जोन बनाए हुए हैं, ओके, अलग अलग एरिया में, खास करके साउथ इंडिया में नीलगिरी, फिर गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, ये सब अलग अलग जगह पे जो है बनाए हुए हैं। रण ऑफ कच्छ अपने आप में एक बायोडायवर्सिटी की जगह, बिकॉज घुड़कर जो है डेजर्ट आस बोले या जंगली गधा बोले, इट इज ओनली फाउंड इन इंडिया, नॉट एनी अदर प्लेसेस। सो वी हैव टू अल्टीमेटली योर मैसेज इज दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट आर फॉरेस्ट एरिया, देन ओनली we will able to survive. Because एक चीज याद रखना कि it is one proverb in Sanskrit, जीवो जीवस्य जीवनम्। Okay, it doesn't mean के एक जीव को मारने से जो है दूसरे जीव की जिंदगी चलती है, एक जीव दूसरे छोटी मछली बड़ी मछली को खाती है, नहीं।
एक दूसरे के को एग्जिस्टेंस से डेवलपमेंट हो सकता है, ना कि एक दूसरे को ओवरकम करके खत्म करके। दिस इज द अल्टीमेट मैसेज ऑफ दिस चैप्टर, जीवो जीवस्य जीवनम, बराबर। एक जीव दूसरे जीवन जीव के लिए जीवन है, इसका मतलब यह है कि उसको जो है हूप थी, प्रेम थी, भाव थी, ओके। ये जो तीन चीजें हैं इससे आप एक दूसरे के साथ में को एग्जिस्टेंस के साथ रह सकते हो, ना कि किसी को खत्म करके, ओके। दिस इज द अल्टीमेट थिंग। हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। डेफिनेटली आपके पार्ट में रीडिंग के लिए जो बायोडाइवर्सिटी जोन वगैरह, नेशनल पार्क, ये सब है, ये आपके पार्ट में आया है, इसको आप थोड़ा रीड करना। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैंने ब्रॉड सेंस में इसको ओवरव्यू दिया है, सो यू विल अंडरस्टैंड दिस वन बेटर वे। एंड हियर वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, ओके। एंड आफ्टर दैट अगेन वी विल मूव टूवर्ड द हिस्ट्री, ओके, कल्चरल हेरिटेज। इन दैट वी विल स्टडी द स्कल्पचर्स एंड ऑल, ओके। बाय, सी यू।